लुधियाना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा स्लम के गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षा केंद्र बनाया गया है और आज बच्चों के लिए उस स्कूल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जहां डिपार्टमेंट कर्मचारियों द्वारा बच्चों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया। इस मौके जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट मुख्य ने बताया कि यह स्कूल हमारे कर्मचारियों के सहयोग से चल रहा है जिनकी पत्नियां यहां शिक्षक के रूप में सेवाएं कर रही हैं। और उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। है उसके बारे में सर बताइए। आज से करीब 6 महीने पहले हमने एक छोटी सी एक कोशिश शुरू की थी जिसमें हमारे इनकम टैक्स के लुधियाना के ऋषि नगर के ऑफिस के पास एक स्लम है और हमारी जो स्लम टू स्कॉलर स्लम टू स्कूल इनिशिएटिव जो है उसमें एक कोशिश थी कि यहाँ के पास के स्लम के बच्चों को हम जो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको थोड़ी शिक्षा दे पाएँ और वो 10 बच्चों से बढ़कर आज 50 से ज़्यादा बच्चे पास के स्लम पे आ रहे हैं और वो इतने खुश हैं कि वो छुट्टियाँ भी नहीं लेना चाहते हैं। जब छुट्टियाँ हम डिक्लेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो स्कूल जाना है और ये स्कूल हमारे डिपार्टमेंट की जो कितने कर्मचारी हैं उनके सहयोग से चल रहा है। एक कर्मचारी की पत्नी यहाँ पे टीचर है, दूसरे कर्मचारी की पत्नी यहाँ मदद करती है और सब लोग मिलकर सहयोग कर स्कूल को चला रहे हैं। और आज ये खास बात आज के कार्यक्रम की यह है कि लुधियाना के इस छोटे से स्कूल की लिंकेज ऑस्ट्रेलिया में किसी ने सुना इसके बारे तो उन्होंने एक खास हेल्थ सप्लीमेंट भेजा है, खाने का सप्लीमेंट बच्चों के लिए। चुकंदर का एक्सट्रैक्ट नेचुरल एक्सट्रैक्ट है और उसको हमने इनके लिए हलवे में और पूरी में मिलाकर बनाया है और इससे ये होगा कि अगर हमने महीने में इनको कुछ दिन भी ये इस तरह का एक्सट्रैक्ट दिया तो इनकी जितनी डेफिशिएंसीज हैं, मिनरल की डेफिशिएंसीज, आयरन की डेफिशिएंसीज हैं, वो सब कम हो जाएंगे। हमारे एक साथी हैं प्रिंसिपल कमिश्नर श्री सचदेव, उनकी किसी परिचित ने वहाँ जब स्कूल के बारे सुना तो उनके थ्रू इन्होंने भेजा है और ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर ये कामयाब हुआ तो बच्चों के लिए जितनी इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होगी वो खुद देंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है, इसलिए इस पर हमें बहुत गर्व है और लुधियाना में खासकर जहाँ स्लम में बहुत बच्चे रहते हैं, माइग्रेंट लेबर के बच्चे हैं, 35,000 बच्चों को अभी भी शिक्षा से जोड़ने की मुहिम चल रही है और उस मुहिम का ये एक छोटा सा भाग है और इसलिए जिन लोगों ने इसमें हमारे साथ भागीदारी की है उसमें मैं अपने आयकर परिवार को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सिटी होम न्यूज़ के लिए लुधियाना से सूरज की रिपोर्ट।